गुड मॉर्निंग डियर क्लास थ्री स्टूडेंट, वी आर इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एंड टुडे आई विल डू सॉल्व सेक्शन बी साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेसन नाइन द फोर प्रिंसेस। आई हैड सॉल्व्ड सेक्शन ए कंप्रिहेंशन इन प्रीवियस क्लास, सो सी व्हाट इज सेइंग हियर। बी साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। Read the following sentences aloud. Pay attention to the repeating vowel sound in each. क्या कह रहा है यहाँ, देखिए यहाँ read the following sentence, इस सेंटेंस को जोर से पढ़ने के लिए कहा जा रहा है और फिर उसके बाद इसको भी आप जोर से पढ़ेंगे। पहले इसको देखते हैं, sound in each. That cook couldn't cook if he didn't look एट द कुक बुक। इसमें देखिए कुक है या लुक है, ये सब शॉर्ट यू का साउंड आ रहा है। और सूरज न्यू टू फ्यू न्यू ट्यून्स ऑन द फ्लूट। इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लॉन्ग साउंड इसमें आ रहा है, यू का लॉन्ग साउंड आ रहा है। तो इसी हिसाब से यहाँ कुछ वर्ड दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। बी वन, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। ये वर्ड्स है, इसको अलाउड जोर से पढ़ना है। लिसन टू द वोवेल साउंड इन ईच, देन राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट कलम। इस वर्ड को जोर से पढ़ना है, इसके वोवेल साउंड को ध्यान देना है और फिर इसको कॉलम में यहाँ लिखना है। इस कॉलम में यू का साउंड शॉर्ट साउंड का है, यू का लॉन्ग साउंड का साउंड के लिए यहाँ लिखेंगे, शॉर्ट साउंड के लिए यहाँ लिखेंगे। इसमें फिल करना है इन सारे वर्ड को। तो देखिए वर्ड को पहले पढ़िए। वर्ड है फुल, पुट, शू, वुड, लॉस, न्यू, वॉल्फ, फूल, गुड, बूट, पूल, फुट। यहाँ देखिए फुल शॉर्ट साउंड है, पुट ये भी शॉर्ट साउंड है, शू ये लॉन्ग साउंड है, वुड ये शॉर्ट साउंड है, लॉस ये शॉर्ट साउंड है, न्यू ये लॉन्ग साउंड है, वॉल्फ ये शॉर्ट साउंड है, फूल ये लॉन्ग साउंड है, गुड ये लॉन्ग साउंड है, बूट ये लॉन्ग साउंड है, पूल ये लॉन्ग साउंड है, फुट ये शॉर्ट साउंड है। तो इसको हम यहाँ इस बॉक्स में लिखेंगे, शॉर्ट साउंड वाले को इसमें और लॉन्ग साउंड वाले को इसमें। उसके बाद बी टू है रीड द पोएम बिलो एंड सप्लाई द मिसिंग राइमिंग वर्ड्स, चूज देम फ्रॉम द वर्ड्स क्लाउड। यहाँ देखिए यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए हैं, ये वर्ड क्लाउड है, ठीक है, छितराना हुआ ये वर्ड सब। इस वर्ड में से ये वर्ड चुन चुन करके ये ब्लैंक्स को हम फिल करेंगे। जैसे देखिए When the earth is turned in, यहाँ से हम देखेंगे यहाँ अराउंड है, अराउंड आएगा, हम अराउंड फिल कर देंगे। When the earth is turned in around, the worms are fat as anything and birds come flying all, एक वर्ड है इसमें देखिएगा स्प्रिंग है, स्प्रिंग ये स्प्रिंग हम लिखेंगे उसमें। एंड बर्ड्स कम फ्लाइंग ऑल स्प्रिंग मतलब क्या है, वेन अर्थ इज टर्न्ड अराउंड, जब गोल गोल अर्थ घूमती है तो बर्ड्स आर फैट एज एनीथिंग, तो और चीज़ों की तरीके से कीड़े भी मोटे हो जाते हैं, कीड़े भी उसी टाइप से घूमते हैं। एंड बर्ड्स कम फ्लाइंग ऑल स्प्रिंग, और चिड़ियाएँ जो हैं, जो पक्षियाँ होती हैं चिड़िया, वो पूरे स्प्रिंग पूरे वसंत के मौसम में आती है, किस लिए, टू ईट द वर्म्स राइट ऑफ द ग्राउंड, वो कीड़ा को खाने के लिए आती है जो कि ज़मीन पर पड़ा होता है। दे लाइक वर्म्स जस्ट एज मच एज फाउंड, वो उतने कीड़ों को खाती है, उतने कीड़ा को पकड़ती है, पकड़ना पसंद करती है जितना उसे मिल जाए, उसे जितना कीड़ा मिल जाए वो सबको खा जाती है। लाइक ब्रेड एंड मिल्क एंड एप्पल पाई,
जिस तरह से उस ब्रेड मिल्क और एप्पल पाई को खाती है उसी तरीके से कीड़े को भी खा जाती है। उसके लिए जैसे हम लोग को मिल्क एप्पल ये सब अच्छा लगता है, उसे कीड़ा अच्छा लगता है। एंड वंस व्हेन आई वाज वेरी यंग, और यहाँ ये कहा, ये पोएट है राल्फ बर्गेन ग्रेन। ये आगे कह रहे हैं कि आई पुट ए वर्म राइट ऑन माई टंग। यहाँ देखिए टंग है वर्ड, यहाँ से टंग हम लेंगे, ठीक है। तो पोएट कहता है कि वंस व्हेन आई वाज वेरी यंग, एक बार जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, आई पुट ए वर्म राइट ऑन माई माई टंग, तो मैंने एक कीड़े को अपनी जबान पे रख लिया था। क्या अपने उस कीड़ा, वो कीड़ा जो था वो राइट, ये पोएट जो है राल्फ बर्गेन ग्रेन वो कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तो कीड़े को अपने जबान पर रख लिया था। आई डिडंट लाइक द टेस्ट ए बिट, लेकिन मुझे एक जरा टेस्ट नहीं लगा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था उसका टेस्ट। एंड सो आई डिडंट स्वेलो इट। यहाँ से हम इट लेंगे, स्वेलो इट, मतलब कि इस वजह से वो मुझे अच्छा नहीं लगा था तो मैं उसे निगल नहीं सका था। बट ओह इट मेक्स माई मदर स्क्वेम, ये स्क्वेम स्क्वेम पर ये गई से लिख घबरा जाना, बेचैन हो जाना। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि मैं जब कीड़े को मुंह जवान पर रख लिया था और मुझे अच्छा नहीं लगा था इसका टेस्ट, तो मैं इसे नहीं खाया, मैं इसे नहीं निकला। लेकिन मेरी माँ बहुत ही परेशान हो गई थी, बेचैन हो गई थी, बिकॉज शी थिंक्स आई एट दैट वर्म, क्यों के उसकी माँ को लगी, ये पोएट की माँ को लगा कि मैंने वो, मतलब पोएट ने वो कीड़ा को खा लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा एस्क्वेम। इस तरह से आपका ये सेक्शन बी साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन है, ये आपका कंप्लीट होता है, और साथ में आपका लेसन 9 का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम आगे ग्रामर करेंगे। आज के लिए है इतना ही, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि B1 को देखिए, B1 में शॉर्ट साउंड का, यू का शॉर्ट साउंड आता है, उसमें ये वर्ड आएंगे फुल पुट वुड लॉस वल्फ फुट। लॉन्ग साउंड में आएगा शू न्यू फूल गुड बूट पूल। और बी में देखिए पहले ब्लैंक्स में अराउंड फिल होगा, दूसरे ब्लैंक्स में स्प्रिंग फिल होगा, तीसरे में फाउंड, चौथे में टंग, फोर्थ में, फिफ्थ में इट, एंड सिक्स्थ में स्क्वेम। आर का साउंड नहीं आ रहा है, स्क्वेम पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज मैं वीडियो यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू।